नमस्कार, मैं हूँ निधि। आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सारे सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही बेहतरीन आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, ये आपके सफ़ेद हुए बालों को ब्लैक में चेंज करेगा और जो सफ़ेद आ रहे हैं उसे भी स्टॉप करेगा। ये किसी भी एज वाले लोग लगा सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 90 साल हो या आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों जिन्हें सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, वो भी इसे ईजिली लगा सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी। इस रेमेडी को हमें ना तो मेहंदी से बनाना है, ना ही इंडिगो से बनाना है, ना ही कोई लोहे का बर्तन चाहिए। आपको एक बाउल ले लेना है और सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल। दोस्तों, नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, सदियों से चला आ रहा है। तो यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच आपको नारियल का तेल ले लेना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नारियल का तेल इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 1/2 चम्मच इतना ले लेना है मेथी दाना पाउडर, यानी कि फेनुग्रीक सीड पाउडर, जो कि हमारे बालों से डैंड्रफ को दूर करेगा, हमारे सफ़ेद हुए बालों को काला बनाने में हेल्प करेगा, बालों को मजबूत बनाएगा, घना बनाएगा। तो ये जो पाउडर है ना, इसे तो आप इजीली ग्राइंड कर सकते हैं मेथी दाना से, और इसे बना के आप डिब्बे में रख ले, बहुत अच्छा काम करता है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब बस यहाँ पे लास्ट इंग्रेडिएंट हमें ऐड करना है और ये हमारी रेमेडी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, 1 चम्मच इतना आपको ऐड कर देना है यहाँ पे चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर कैसे बनाते हैं मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, वैसे आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। दोस्तों, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये रेमेडी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसे आपको अपने बालों पे लगाना है। कोशिश कीजिएगा कि रात को ही इसे अपने बालों पे लगा लें, जैसे कि हम हेयर वाइलिंग करते हैं, बस उसी तरह आपको इसे मसाज करते हुए हेयर रूट्स पे लगाना है, पूरे हेयर्स पे लगाना है, रात भर के लिए रहने देना है और नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रात को नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में इसे लगा लें, 1.5 से 2 घंटे के लिए आप बालों पे रहने दें, उसके बाद आप वॉश कर लें। अगर आप बच्चों को लगा रहे हैं ना तो भी आप इसे मॉर्निंग में लगा सकते हैं, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद आप वॉश कर दें। बहुत ज़्यादा सफ़ बाल है तो हफ्ते में 3 बार ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।